हेलो एवरीवन वेलकम दी लेक्चर नंबर ऑफ मैनेजरियल डिसीजन तो मैनेजरियल डिसीजन एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड एक जो बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम सारी चीजें इसमें डिस्कस कर लेंगे देखो अगर मैनेजरियल डिसीजन की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का सुप्रीम गोल क्या है इफ आई आस्क यू व्हाट इज मेजर गोल व्हाट इज द मेजर टारगेट ऑफ मैनेजमेंट तो सबसे सिंपल चीज आप भी बता पाएंगे मैनेजमेंट का एक ही और एक ही इंपॉर्टेंट गोल है या टारगेट है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बेसिकली uh, बहुत सारे मेजर डिसीशंस लिए जाते हैं मैनेजरियल लेवल पे तो वही इस चैप्टर में पढ़ना है हमें कि कंपनी विल हैव थ्री अल्टरनेटिव्स फोर अल्टरनेटिव्स एंड अकॉर्डिंग टू दल्टरनेटिव कंपनी इज हैविंग ऑलरेडी be uh, पढ़ लिया है वो इस चैप्टर का एक थोड़ा सा बेसिक चैप्टर से रिलेटेड मार्जिनल कॉस्टिंग के जो बेसिक्स है वही यहाँ पे यूज किए जाएंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक इफेक्टिव टेक्निक माना गया है और इन दिन दार्ट रिलेटेड टू मेकिंग सेवरल पॉलिसी डिसीशन जिस जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स के बारे में स्पेशल ऑफर्स के बारे में एक्सेट्रा तो ऐसे केस में मैनेजरल डिसीशन कैसे लेना है मैनेजरल डिसीशन में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं वो सारी चीजें इस चैप्टर में दी गई है तो अगर हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूजली एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर तो ज्यादा लेवल्स नहीं है इसमें जो जो चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको इस पूरे कोर्स में बताने वाला हूँ लेट अस सी द क्वेश्चन विच कैन बी आस्ट तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है आपके सामने एबीसी प्रोवाइड दिटेल टेन रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है आपका सेवन लैक्स सेल्स का अमाउंट यहाँ पे मैंने या नहीं सेल्स का अमाउंट भी है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ जब आप पी डाउनलोड कर लेंगे तो आ जाएगा सेल्स है यहाँ पे टेन लैक्स ठीक है टेन लैक्स की ये अमाउंट दी है आपको और टेन रुपीस पर यूनिट जिसका वैल्यू है वेरिएबल कॉस्ट इज सेवन लैक्स फिक्स कॉस्ट इज टू लैक्स प्रॉफिट इज वन लैक्स तो इफ यू सी द पॉइंट बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा ही दिखने में दिखता है लेकिन जितना पैराग्राफ दिया रहता है पैराग्राफ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं सो मार्केटिंग मैनेजर हैज अ प्रपोजल दैट इफ सेलिंग प्राइस इज रेड्यूस बासेंट मार्केटिंग मैनेजर के पास एक प्रपोजल है तो पहला हमारा जो नॉर्मल प्रेजेंट प्रपोजल था वो तो मैंने आपको ऊपर बता दिया मार्केटिंग मैनेजर का क्या प्रपोजल है अगर सेलिंग प्राइस दस परसेंट से कम हो जाएगी तो क्वांटिटी सोल्ड जो है वो पच्चीस परसेंट से बढ़ जाएगी इफ द सेलिंग प्राइस इज दिया है यहाँ पे इफ द सेलिंग प्राइज इज रेड्यूज बाई टेन परसेंट देन द क्वाटिटी सोल्ड विल गो अपी फाइव परसेंट फिर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से इज दैट सेलिंग प्राइस शुड भीज बाई टेन परसेंट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है सेलिंग प्राइस जो है वो टेन परसेंट से बढ़ना चाहिए और सेलिंग प्राइस क्या करेगा टेन परसेंट से पढ़ना चाहिए फिर मार्केटिंग मैनेजर क्या कहता है मार्केटिंग मैनेजर मैनेजर फर्दर प्रोवाइड्स दैट इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय टेन परसेंट द क्वांटिटी टोल्ड विल फॉल बाय ट्वेंटी परसेंट ठीक है ये मार्केटिंग मैनेजर नहीं यहाँ पे कॉस्टिंग मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर ने ऊपर बता दिया है थोड़ा सा स्लाइट एरर है ध्यान से तो मार्केटिंग मैनेजर ने ऊपर बता दिया कि टेन परसेंट से अगर सेलिंग प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सोल्ड जो है वो पच्चीस परसेंट से बढ़ जाएगी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है कि अगर टेन परसेंट से सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सोल्ड जो है वो बीस परसेंट से कम हो जाएगी फिर आपको क्या करना है आपको सजेस्ट करना है वेदर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होना चाहिए सेलिंग प्राइस रिड्यूस होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस अनचेंज होना चाहिए हम अभी इसको फॉर्मेटिंग करते हैं देखो किस तरीके से इसको करना है सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल कॉस्ट ठीक है स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले ये जो रुपीज और पर यूनिट का कॉलम है ये हमारा प्रेजेंट का कॉलम है ताकि आपको पता चले हम किस कॉलम में सॉल्व कर रहे हैं तो सेकेंड कॉलम है हमारा दैट इज मार्केटिंग मैनेजर का कॉलम है ये मार्केटिंग मैनेजर जो बोल रहा है वो हम यहाँ करेंगे और जो थर्ड कॉलम है हमारा दैट इज कॉस्टिंग का कॉलम कॉस्ट वाला जो बोल रहा है वो है ठीक है अभी अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं देखो टेन लैक्स हमारा ओवरऑल अमाउंट मैंने आपको यहाँ लिखवाया सेलिंग प्राइस है टेन रुपीज अगर हम टेन लैक्स को टेन से डिवाइड करेंगे तो हमें वन लैख यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे वन लैख यूनिट ताकि आपको सिंपल चीज में पता चले क्या क्या हम कर रहे हैं देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट टेन दिया है और अमाउंट मैंने अभी आपको लिखवाया था दैट इज टेन लैख फिर वेरिएबल कॉस्ट आपको कितना दिया है वेरिएबल कॉस्ट आपको सेवन लैक्स दिया है तो मैं सिंपल चीज जो जो दिया है वो लिख रहा हूँ सेवन लैक्स को हम वन लैक्स से डिवाइड करेंगे तो हम पर यूनिट मिलेगा सेवन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा फिर टेन लैक्स में से अगर से हम सेवन लैक्स माइनस करेंगे तो वी विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन एज थ्री लैक्स तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा थ्री लैक्स टेन माइनस सेवन तो यूल गेट द आंसर एज थ्री फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज टू लैक्स तो हम अभी टू लैक्स को अगर वन लैक्स से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे पर यूनिट मिलेगा टू टू लैक्स टू गेट द इज ऑलरेडी सेलिंग प्राइस जो है टेन uh, परसेंट से कम होगा ठीक है सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से कम होगा तो आपकी जो क्वांटिटी है वो पच्चीस परसेंट से बढ़ेगी ऐसा उन्होंने कहा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्या कहता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है सेलिंग प्राइस जो है आपकी टेन परसेंट से बढ़ेगी सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से बढ़ेगी तो क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी बीस परसेंट से कम हो जाएगी अभी हम करेंगे एक एक पॉइंट ठीक है कैसे करना है अभी सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से कम होगी क्वांटिटी जो है पच्चीस परसेंट से बढ़ेगी तो पहले की क्वांटिटी कितनी थी एक लाख ,00 थी पच्चीस परसेंट से बढ़ेगी तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एक लाख पच्चीस हजार हो जाएगी ठीक है यहाँ पे बोल रहा है क्वांटिटी जो है ट्वेंटी परसेंट से कम होगी तो पहले वन लाख थी ट्वेंटी परसेंट से कम होगी तो यहाँ पे कितनी होगी क्वांटिटी एट्टी थाउजेंड यूनिट्स की क्वांटिटी होगी अब सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से कम हो रहा है तो टेन पहले था अगर टेन परसेंट से कम होगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा नाइन बन जाएगा फिर नाइन को हमें मल्टीप्लाई करना है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से यहाँ पे आएगा इलेवन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड काफी सिंपल है एक बार एक बार कैलकुलेशन आपने सही कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला सेम लेंगे सेवन लेकिन अमाउंट चेंज होगा सेवन मल्टीप्लाइड बाई वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी एट लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिर नाइन माइनस सेवन करेंगे तो टू आ जाएगा यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो दो लाख पचास हजार आ जाएगा दैट विल बी थाउजेंड फिर फिक्स कॉस्ट जो है हमारी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता फिक्स कॉस्ट हमेशा रहता है तो टू लैक्स यहाँ पर आ जाएगा टू लैख फिफ्टी में से टू लैक गया तो यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड का यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन तो वी तो so है अब हम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बोलता है सेलिंग प्राइस दस परसेंट से बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ट्वेंटी परसेंट से कम होगा तो इसलिए मैंने क्वांटिटी डिमांडेड जो है क्वांटिटी को द, ट्वेंटी परसेंट से कम कर दिया तो एट्टी थाउजेंड सेलिंग प्राइस बोल रहा है टेन परसेंट से बढ़ेगा मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा अभी ग्यारह रुपया सेलिंग प्राइस होगा इलेवन को अगर हम एटी थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू देन वेरिएबल कॉस्ट हमारा सेवन ही रहेगा एट सेवन जो फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव लैक्स थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट इलेवन माइनस सेवन करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज फोर एट लैक एटी माइनस फाइव लैख सिक्सटी करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो हमारा सेम रहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 2, 000, लेकिन कॉस्ट का पर यूनिट डिवाइडेड करेंगे तो पर यूनिट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आपको फोर में से टू पॉइंट फाइव गया तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ठीक है काफी सिंपल है अब हम ध्यान से देखेंगे देखो प्रेजेंट में प्रॉफिट था वन लाख मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कहना था कि सेलिंग प्राइस को दस परसेंट से कम कर दो और क्वांटिटी को पच्चीस परसेंट से बढ़ा दो तो प्रॉफिट कितना होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कहना माना तो कितना प्रॉफिट होगा फिफ्टी थाउजेंड अगर हम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का कहना मानेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो कोई भी बता सकता है मैं अगर आपको पूछू इसका कहना मानना चाहिए वेदर टू गो विद मार्केटिंग डिपार्टमेंट और वेदर टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कहना मानेंगे तो पचास हजार का प्रॉफिट होगा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की राय मानेंगे तो वन लाख ट्वेंटी होगा तो हम तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की राय मानेंगे बराबर है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का ही हमको प्रॉफिट होना चाहिए इसकी राय माननी चाहिए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की बस यही आपको अभी कंक्लूजन में लिखना है क्या लिखना है कंक्लूजन में यही चीज लिखनी है जो हमने अभी डिस्कस की कंक्लूजन ये मैनेजरल डिसीजन में कंक्लूजन लिखना पड़ता है ठीक है क्या लिखेंगे हम सिंस द प्रॉफिट ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इज हायर बाय रूपीस ट्वेंटी थाउजेंड क्यू ट्वेंटी थाउजेंड पहले वन लाख का प्रॉफिट होता था अभी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का कहना मानेंगे तो बीस हजार से प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो अल्टरनेटिव दैट इज सेलिंग प्राइस शुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस इंक्रीज बोलता है ना वो सेलिंग प्राइस शुड इंक्रीज बाय टेन परसेंट एंड क्वांटिटी शुड कंक्लूजन में लिखना है तो दैट वॉज द बेसिक पॉइंट इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लेंगे जो आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे मैनेजरल डिसीशन में ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन जो आते हैं वो मैं सारी चीजें आपको करवाने वाला हूं तो ध्यान से That was the first question of managerial decision we have solved. That's it from this video. Thank you very much. Next time we'll Bye bye. Take care.